हाई फ्रेंड्स, आपका बैटरी योर चैनल। आई वॉन्ट टू शो कि आप कैसे अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो अगर वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। आप जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, अगर उसकी विंडो डीएक्टिवेट हो चुकी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे जेन्युइन तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। और आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको यहाँ पे क्रैक फाइल को आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट यहाँ से कर सकोगे। और मैं आपको बताऊंगा कि 100 में से 90% चांस है कि आपको विंडो है वो एक्टिवेट होगी होगी। और मैंने भी इसी तरीके से अपने लैपटॉप की विंडो को एक्टिवेट किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मैसेज कहाँ शो होता है। तो आपको पता ही होगा मैक्सिमम मेरे दोस्तों को कि आपको राइट साइड पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे वाटरमार्क शो होता है। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जाता है कि अपनी विंडो को एक्टिवेट कर लीजिए, ये डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो इसे हम एक्टिवेट करेंगे वो भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। तो मैंने भी अपने लैपटॉप की विंडो को यहाँ से एक्टिवेट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा विंडो एक्टिवेट करिए, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस का किया और मेरा ये वर्क किया, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लिखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। मैं क्रोम पे आ जाऊँगा। उसके बाद आपके यहाँ मैंने टाइप करना है विंडो 10 में यहाँ पे लिखूँगा। विंडो 10 के बाद आपके यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, इसके ऊपर आपको करना है ठीक। जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे विंडो 10 डाउनलोड के लिए पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्लाइड करना है नीचे की तरफ और आपको यहाँ पे दिखना है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर। आपको यहाँ पे करना है डाउनलोड टूल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको बता दूं कि आपका विंडो तो है, आपको सिर्फ इसे अपडेट करना है। अपडेट करने में जो भी सेम बग आ गए होंगे पहले, वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मीडिया क्रिएशन टूल ये मेरा यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे करूँगा, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे दिख रहा होगा मीडिया क्रिएशन टूल, जो हमने वहाँ से अभी रिसेंटली अभी डाउनलोड किया था। तो उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे कर लेते हैं, यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो परमिशन दे देंगे हम यहाँ पे यस। परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉपअप आएगा, तो देखते हैं हमारे कितना टाइम लगता है। ये टाइम लगता है अपने लैपटॉप की प्रोसेसर के ऊपर वेरी करेगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा अपने विंडो को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी, तो आपको यहाँ पे ऊपर मैसेज हो रहा होगा विंडो 10 सेटअप। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ विंडो को अपडेट करना है, आपको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि आप अगर इसे डाउनलोड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और साथ में आपके लैपटॉप में विंडो 10 होगी भी, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँगी सिर्फ विंडो 10 के लिए नहीं है, 11 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए सेम ये प्रोसेस रहेगा। अगर आप में अगर विंडो एक्टिवेट करे अगर वाटरमार्क शो होता है तो। और हम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे वो आ चुके हैं मैनुअल, आप इसे रीड कर सकते हो। इंस्टॉलेशन यूज राइट्स यहाँ पे आप एक से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आपको सीधे यहाँ पे इसे कर देना है एक्सेप्ट। आपको सीधे यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, हम फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। जो हमारी प्रोसेसिंग थी फाइल डाउनलोड की वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो कंप्यूटर है वेरीफाइंग योर डाउनलोड, अब ये वेरीफाई कर रहा है जो उसने डाउनलोड किया हुआ है। प्रोसेसिंग अभी 0% है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम फिर से लगने वाला है। तो पिछली फाइल पर अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 मिनट लग चुके थे। आप देखते हैं इस फाइल को कितना ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम कर देते हैं थोड़ा सा वेट। वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील फ्री टू कीप यूजिंग योर पीसी। अभी 100% हुआ था, जस्ट फिर से प्रोसेसिंग में 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर भी हमें थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमारी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी जो प्रिपेयरिंग शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 30% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बार हम वीडियो को रोकेंगे नहीं, हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। और आपके भी लैपटॉप में अगर विंडो एक्टिवेट यहाँ पे वाटरमार्क शो हो रहा होगा, तो आई होप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्या फिर सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं 100% तो हो चुका है, गेटिंग अपडेट सेकंड फॉर अपडेट से फिर से चला गया। अब हमारे यहाँ पे कुछ अपडेट्स होंगे। अगर आपका वाटरमार्क पीछे रिमूव नहीं हुआ होगा तो आई होप यहाँ पे लास्ट तक वो इस प्रोसेस के लास्ट तक ये खत्म हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा आपका ये वाटरमार्क है। तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, सिर्फ 1 महीने हमारे वो काम हो चुका है प्रिपेयरिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे लोडिंग हो रही है, और देखते हैं यहाँ मेकिंग श्योर गेटिंग अपडेट्स चेकिंग फॉर अपडेट्स 2% यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे इसको फिर से 100% होना है, तो रुकना पड़ेगा फिर से। पर आपको मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हो तो आपकी जो विंडो है जेन्युइन तरीके से मतलब एक्टिवेट हो जाएगी। सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल में आ चुकी है, क्योंकि मैं आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अब मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल लास्ट स्टेप में।
तो यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं रेडी टू इंस्टॉल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो लैपटॉप में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी या फिर बग होंगे सारे क्लियर होने के बाद आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं रेडी टू इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो है इंस्टॉल हो जाएगी, जो भी इसमें अपडेट आए हैं नए वाले सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आपके जो यहाँ पे विंडो एक्टिवेट का जो आपके वाटर मार्क है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ऐसे ही विंडो इंस्टॉल हो जाएगी आपका लैपटॉप। एक बार आपको इसे रिस्टार्ट करना है, स्टार्ट करते ही आपकी जो विंडो है या फिर वाटर मार्क वो बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। This trick is working for Mac computer, but 100 में से कुछ 10% ऐसे कंप्यूटर भी होंगे जो इस ट्रिक की मदद से उनकी जो विंडो है वो एक्टिवेट ना हो। तो इसलिए मैं आपको बता दिया था कि 100 में से 90% चांस रहेंगे हमारी जो लैपटॉप की विंडो एक्टिवेट हो जाएगी इस ट्रिक की वजह से। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।